हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीट्यू फैक्ट चैनल। दोस्तों, गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। सनी देओल की फिल्म की रफ्तार रोके नहीं रुक रही। फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ। 10 दिनों में ही सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हैरान कर देने वाला कलेक्शन कर लिया है। गदर 2 ने सलमान खान की टाइगर जिंदा है और आमिर खान की पीके जैसे फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। सबसे खास बात तो यह है कि इसने रिलीज के 10वें दिन ओपनिंग डे से ज्यादा की कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार गदर 2 ने रविवार 20 अगस्त के दिन 41 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके सबके होश उड़ा दिए। फिल्म ने भारत में अब तक 377.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें कि गदर 2 को दूसरे रविवार कुल 72.7% की रिकॉर्ड ऑक्यूपेसी मिली। यह ऑक्यूपेसी पठान और बाहुबली से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा सनी देओल, अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 ने आमिर खान के पीके को भी पीछे छूट दिया। 2014 में रिलीज हुई पीके ने बॉक्स ऑफिस पर 340.8 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस किया था। उम्मीद है कि अब गदर 2 सोमवार को आमिर खान की दंगल का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ का बिजनेस किया था और अब रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने 41 करोड़ की कमाई करके उन सभी को हैरान कर दिया है जो इसे एक औसत दर्जे की फिल्म मान रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 में सनी देओल, उत्कर्ष शर्मा और अमीषा पटेल लीड रोल में हैं। इसके अलावा मनीष वाधवा फिल्म में विलेन के रोल में हैं। सनी देओल अपनी फिल्म की सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने हाल ही में फिल्म की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं फिल्म की सफलता से बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिल्म को दर्शकों को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो अब दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही ऐसी खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल वीट्यू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।